हे गाइस, वेलकम बैक टू वाई टी एफ 2020। हमारे चैनल पे 500 के ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं, 1 बिलियन टोटल व्यूज हैं, 4 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, बट इस औरत ने आज तक एक भी वीडियो खुद से एडिट और शूट नहीं किया, इसलिए ये वाई टी एफ का वीडियो इसके हवाले। अपने मोहल्ले की गली में बॉयकट में नंगे पांव फटी बनियान में मिट्टी से सोने में बच्चे देखे जो पकड़ पकड़ाई खेलते रहते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ। 10th क्लास में स्कूल की साइंस टॉप पर जो गीले बालों में सरसों का तेल लगा के चुटिया बना के ब्रेसलेट्स के साथ क्लास मॉनिटर जो हर छोटी बात मैम को कंप्लेन करती थी, वो भी मैं ही हूँ। ऊपर से मेरे पापा जीवनसाथी.com, शादी.com, जाट समाज पत्रिका, हिंदी न्यूज पेपर, इंग्लिश न्यूज पेपर, ऋतु राठी, उम्र 26, रंग गोरा, 5 फुट 5 इंच, मांगलिक, वर की तलाश में। 2 दिन में 4 लड़के दिखाते थे, फिर हुई अपने हीरो की एंट्री। माँ कसम भाई, पहली बार देखते लट्टू हो गई थी मैं। फिर तो बंदे की फेसबुक प्रोफाइल पूरी 2004 से 2014 तक पूरी स्टॉक कर डाली, कौन कौन लड़की फ्रेंड लिस्ट में है, किसने क्या कमेंट किया है, और तो डेट ऑफ बर्थ देख के कुंडली तक मैच कर डाली। जिस बंदे के आज तक 16 गुण नहीं मिलते थे, उसके इसके साथ 28 गुण मिलते थे। मैं कह रही हूँ बंदा अपनी किस्मत था, लेकिन भाई बंदा अपना हद रोमांटिक, एक कमरे से दूसरे कमरे तक गोदी उठा के घूमता रहता था, लेकिन था बिल्कुल गाय। जिम में सुलवा दो या फिर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के स्टेज पे नंगे लड़कों के बीच में फ्लेक्स करवा लो। फिर एक दिन इनको जिम से निकाल दिया, वहां से हुई हमारी सोशल मीडिया और फिटनेस टीवी की शुरुआत। कदम पड़े हमारे घर की लक्ष्मी के, रेसबेरी के। क्या कह रहे थे? आज आ रही है, एक दिन इसी पे से चली जाएगी, ना? खुद माँ बनने के बाद अपनी माँ को हद मिस किया यार। जब रात रात पर जाग के कमर दर्द में बैठे बैठे अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसकी पोटियाँ साफ की ना, फिर लगा कि यार क्यों बोला था माँ को यार कि आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। हर फैमिली पे एक ऐसा वक्त आता है जिसमें सारी मुसीबतें एक साथ पड़ जाती हैं कि साला समझ नहीं आता ये संभालो या वो। हमारा वो टाइम स्टार्ट हुआ लॉकडाउन में। पहले रशी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, रशी का वो खिड़कियों पे आना और मम्मा मम्मा चिल्लाना। हाँ बेटू, अभी मम्मा से नहीं मिल सकती बेटा। बट उसको क्या पता था कि शायद उसकी पेरेंट्स कोरोना पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में हैं। 21 दिन तक बुखार चला था इनका, फैन की पट्टियां बदलती रहती थी और सिर दबाती रहती थी, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी यार। वो दिन सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे तिल तिल के गुजारे थे। फिर नानी गुजर गई, जिस प्रॉपर्टी में हमने अपनी पूरी पूंजी लगाई थी उसमें कोरोना की वजह से लेट पेमेंट की फीस में 21 लाख रुपए का फाइन लगा था। ऊपर से सीमा दीदी कोरोना पॉजिटिव हो गई, लेकिन शायद ये भी कम था भगवान जी के लिए कि उन्होंने उसके बाद इनसे इनका फ्लाइंग का सपना छीन लिया यार। इनका इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट खड़े होना लग गई थी यार, जॉब छिन गई, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मुझे वो दिन अभी भी याद है, मैं किचन में खड़ी थी, ये पीछे से आए, इन्होंने मुझे हग कर लिया। मैंने इन्हें ज़्यादा रोते नहीं देखा आज तक 4 सालों में। उस दिन ये मुझे हग करके रोने लगे, फूट फूट के वो भी, और मुझे कहते हैं कि मेरी वजह से तेरा वेट कम हो गया, मेरी वजह से मैंने तुझे इतनी टेंशन दी कि तेरे सारे कपड़े लूज हो गए। फिर लोग कहते हैं कि क्या आपकी लाइफ इतनी परफेक्ट है जितनी व्लॉग्स में दिखती है। अब परफेक्ट है कि नहीं पता नहीं यार, लेकिन यही है, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आप पे गिरते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को सांत्वना देते देते एक दूसरे को खींच ही लाते हो यार ऐसी मुश्किलों से बाहर, और शायद यही फैमिली है। और एक बात तो मुझे पता है, मेरा बंदा दमदार बहुत है। जब इसका जिम छूटा था तो इसकी सोशल मीडिया की जर्नी, आज इसकी जॉब छूटी है, इसका सपना छूटा है, तो पता नहीं ये कहाँ जाएगा, और जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ मैं।